अगर आप कैंडी क्रश के शौकीन हैं और कैंडी क्रश खेल रहे हैं तो क्या वो अपराध है और क्या इसे गुनाह माना जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ की सियासत में अचानक ही क्यों कैंडी क्रश की एंट्री हो गई है और इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति कैसे क्रैश हो रही है, इन सब पर बात करेंगे। आज आपको दिखाएंगे कैंडी क्रश खेलने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है इलेक्शन के सबसे पसंदीदा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां। हमने रायपुर से आपको दिखाया कि जनता जनार्दन क्या सोचती है और आज हम दुर्ग पहुंचे हैं। और चूंकि दुर्ग भारी भरकम जिला है, किन किन मायनों में ये भारी भरकम जिला है ये सब आपको बताएंगे और भारी भरकम बीजेपी ने इसे कैसे कर दिया है ये सब भी सुनवाएंगे, क्योंकि विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देंगे पाटन से। 5 सालों में भूपेश बघेल ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में और प्रदेश में अपनी इमेज बना ली है, लेकिन लड़ना होगा विजय बघेल यानी अपने ही परिवार के किसी उम्मीदवार से। और बीजेपी ने ये रणनीति अपनाकर भूपेश बघेल को उनके ही विधानसभा में घेरने की कोशिश की है। तो इसलिए दुर्ग के समीकरण में आपको लेके चलेंगे, राजनीतिक नुमाइंदों से बात करेंगे और क्या होने वाला है इस सब पर बात करेंगे। लेकिन हिंदुत्व, सनातन और धर्म की एंट्री अगर ना हो तो गुरु कैसा चुनाव, फिर कैसे प्रत्याशी और कैसे उम्मीदवारी का चयन। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कहां पहुंचे हैं दिखा दीजिए दर्शकों को टू विंडो, ताकि हम ये बता सकें कि कैसे धर्म का एंगल जो है वो जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहां पहुंचे थे ये भी हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यहां भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते अपना रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज उत्तराखंड के 2 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल आदि कैलाश और जागेश्वर धाम पहुंचे। महादेव के महाभक्त कहे जाने वाले पीएम मोदी ने पहले आदि कैलाश में पूजा की, यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना पर भी ध्यान लगाया और भारत तिब्बत सीमा के नजदीक स्थित आदि कैलाश को शिव पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इन सबके बीच भूपेश बघेल के पूजा पाठ की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी हिंदुत्व का साथ लेकर ही चल रहे हैं। उधर पूजा पाठ के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीछे नहीं है। क्यों पीछे नहीं है? क्योंकि 5 सालों के दौरान भूपेश बघेल सरकार ने हिंदुओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं पहले आपको उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन सी योजनाएं हैं आप जान ही रहे हैं, कौशल्या माता मंदिर का निर्माण, राम वन गमन पथ और इसके साथ साथ कौशल्या महोत्सव का आयोजन, कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन, गोधन न्याय योजना और बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना। यानी भूपेश बघेल ने बीजेपी के सामने ये खुलकर रख दिया है खुली किताब की, देखो भाई राम के नाम पर अगर आप वोट मांगते हो तो आप वोट मांगिए, मैं तो राम की माँ कौशल्या का मंदिर बनवा रहा हूं तो मैं हिंदुत्व में पीछे हूं, ये बात आप मानिएगा नहीं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दुर्ग के लोगों के बीच स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करेंगे, लेकिन पहले दुर्ग की जनता एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए, एक बार जोश दिखा दीजिए और ये जोश दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या जोगी कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के, लेकिन 5 साल का ये जो चुनावी त्योहार है इस त्योहार में सबको शामिल होना चाहिए। इनका भी स्वागत कर दीजिए। मेरे साथ मुकेश चंद्राकर हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा ब्रजेश बिजपुरिया साहब हैं जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। आप दोनों का भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, चूंकि मेहमान अतिथि गेस्ट का स्वागत पहले करना चाहिए इसलिए आपके पास आता हूं। आपके चेहरे की गंभीरता को देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके जिंदगी में कुछ बड़ा घटने वाला है, कोई अच्छी खबर आने वाली है क्या? बिल्कुल, हमारे
मुख्यमंत्री जो है दोबारा मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री तो बनेंगे, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जो प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू हो गई है, उस समय कैंडी क्रश खेलकर विवाद कर दे रहे हैं। भाई टिकट टिकट पहले बांट लीजिए तो कैंडी क्रश खेलिएगा। बीजेपी कह रही है ये कैंडी क्रश खेलने वाले मुख्यमंत्री हैं, आपकी राजनीति क्रैश हो गई है। अब ये भाजपा है, इनको हर चीज से ऐतराज होता है, वो अपने संस्कृति को उभारते हैं, गिल्ली खेलते हैं तो आपत्ति होती है, वो गिल्ली डंडा खेलते हैं तो आपत्ति होती है, तो इनको आपत्ति करना है, हर चीज पे आपत्ति ही लगाते रहेंगे। भाजपा विपत्ति में फंसी है क्या? बहुत बड़ी विपत्ति में फंसी है। ये विपत्ति की बात कर रहे हैं, महादेव ऐप संपत्ति की बात कर रहा है। महादेव सट्टा ऐप का जो जनक जिला है वो जिला भी दुर्ग ही है। सौरभ चंद्राकर जो लाखों करोड़ों के आसामी है और न जाने कौन कौन से अभिनेता को नचा रहे हैं देश विदेश में, वो इसी दुर्ग जिले में जूस कॉर्नर सेंटर लगाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपत्ति संपत्ति और विपत्ति के बीच में मौका तो आपको दे ही दिया हूं, मौका तो आपको दे ही दिया हूं महादेव सट्टा ऐप का नाम लेकर। इसलिए आपके लोग ये ताली बजा रहे थे तो मैंने सोचा कि उधर की ताली भी बजवा दूं। खुश तो बहुत होंगे आप? नहीं, हम खुश नहीं है, पब्लिक बहुत दुखी है। ये जो सट्टा ऐप है ना, इससे हमारी युवा पीढ़ी मर रही है, जूझ रही है, और जो हमारे गार्जियन हैं बच्चों के माँ बाप वो मर रहे हैं। आज शराब का पूरा माहौल, पूरा नशाखोरी हो रही है यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी चौपट है। कितने मर्डर यहाँ पर हो गए, मलकी सिंह नाम के युवक का मर्डर यहाँ पर हुआ, चंद्र प्रकाश ठाकुर का सट्टा के चक्कर में हुआ, सट्टा के चक्कर में, शराब के चक्कर में, दोनों चक्कर में, सट्टे में भी लोगों की संपत्तियाँ बिक रही हैं, घर से पैसा जा रहा है, शराब के चक्कर में लोग अपने घर में कलह कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग जी नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति हो गई है आज। स्थिति बहुत खराब है। जो पुलिस कर्मी आए हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं एबीपी न्यूज की तरफ से। आप लोग थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि देखिए एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए दुर्गेश और दुर्ग भिलाई की जनता, एक बार फिर से ताली बजाइए। ये एबीपी न्यूज की लोकप्रियता है और ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है कि लोग न केवल कुर्सियों में बैठे हैं बल्कि खड़े हैं। सामने जो लोग बैठे हैं वो तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही, लेकिन जो पीछे खड़े हैं, सबसे पहले मैं बातचीत की शुरुआत यहां से करूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन आप देखते ही होंगे, मैं जनता जिंदाबाद करता रहा हूं, इसलिए आपसे सबसे पहले पूछूंगा, खड़े हो जाइएगा, किसकी बनेगी सरकार और किसका पड़ला भारी है? सरकार बनेगी भूपेश बघेल भैया की। हाँ, भूपेश बघेल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जब तक भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश बघेल है तो छत्तीसगढ़ का भरोसा है। अच्छा ये बताइए, वो गदर पिक्चर वाला कौन सा डायलॉग मारे अभी आप? कौन सा था, क्या कुछ बोले ना? ये जब तक भूपेश बघेल है विश्वास है, भूपेश बघेल जिंदाबाद। चलिए ठीक है भाई, हाँ बताइए आप। अरे युवा हो यार, थोड़ा जसिया के रहो, हैं? इतने सुंदर चुल्फे हैं आपकी, स्टाइलिश आदमी हो, माइक जैसे आए खट से खड़े हो जाओ। हाँ बताइए, हम बात करना चाहते हैं आपसे। करिए, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। कितना है बहुमत का आंकड़ा? बहुमत का आंकड़ा 90+। 90+ नहीं है राजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे हंसी मजाक मत करिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुमत 46 में चाहिए, 90 कुल सीट है, 90 कुल सीट है, 46 आ जाएगा तो भूपेश भैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जीत की खुशी में थोड़ा हम बहक गए थे, 46 प्लस पार करेंगे। क्या बात है, अपने बहकने को भी कोई कितने साफ कोई से स्वीकार कर रहा है, भगवान करे आप बहकते रहिए। आपको क्या लगता है? हाँ जी बोलिए सर। क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार और दुर्ग भिलाई का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस बार तो सरकार बदल के रहेगी। अच्छा बदल जाएगी? एकदम 100% बदल के रहेगी। कैसे बदलेगी, क्यों बदलेगी और क्यों बदलना चाहिए? बहुत ज्यादा घोटाला यहाँ पर हुआ, शराब घोटाला हुआ है, शिक्षा घोटाला हुआ है, अभी लेटेस्ट तो पीएससी घोटाला हुआ है। कितना बड़ा पीएससी घोटाला हुआ है कि एक आदमी के रिलेटिव 5-5, 6-6 चुटकी आ जाते हैं, कितना बड़ा घोटाला है।
और ये तो इतना बड़ा घोटाला कि बोल नहीं सकते आप। और सबसे बड़ा तो अभी सट्टा घोटाला आ रहा है। सट्टा घोटाला, हाँ ये तो एकदम लेके डूब जाएगा भूपेश बघेल को, लेके डूब जाएगा। हाँ क्या मानना है आपका? क्या है? अरे एक ही सवाल है, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दुर्ग भिलाई का मुद्दा क्या है? कुछ मुद्दा नहीं है दुर्ग भिलाई में, एक ही मुद्दा है क्या, काका है तो भरोसा है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, एक एक जनता, एक एक बच्चा बोल रहा है, सबको मालूम है क्या भूपेश बघेल की सरकार बनने वाली है। और मेरा जो है एक ही भाजपा से ये सवाल है। सवाल पूछिए भाई सवाल के। ये बताओ, मेरा नाम है सबसे पहले तो मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, आपको जो पूछना है पूछिए। मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ क्या, हम बताओ कैसा भाजपा में जुड़ेंगे आप, 90 सीट है, एक भी सीट मुस्लिम को नहीं देते हो, किसी को कुछ नहीं देते हो, तो हम कैसा आपसे जुड़ेंगे? जुड़ना चाहते हो? जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ दे तो सही है, जब तो जुड़ेंगे। अच्छा बिजपुरिया जी, ये सवाल का जवाब आपसे पूछूंगा मैं। हाँ बताइए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आइए क्या लगता है आपको, किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और काहे बनेगी? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत अच्छा है, उसकी विचारधारा बहुत सुंदर है और सभी को लेकर चलती है, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ साथ, इसी पे हम भारतीय जनता पार्टी। तो आपको भूपेश है तो भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है भूपेश जी पर। मोदी है तो भरोसा? मोदी है तो भरोसा है। ठीक है बताइए खड़े। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। आपको भी ठगे हैं? बिल्कुल, सभी पूरे छत्तीसगढ़ को ठगे हैं उन्होंने। कहाँ ठगा गए आप? हाँ सभी लोग ठगा गए हैं, घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर सारा कुछ वो कर रहे हैं। और ये ठगा नहीं है तो क्या है, शराब घोटाला, यहाँ तक कि उन्होंने गोबर घोटाला तक कर डाला। ठीक है आइए, आ रहा हूँ आपके पास। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। काहे, कैसे, क्यों? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत अच्छा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है और सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, अब इधर आते हैं। हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए भाई, आप तो हमको लगता है पिछली बार झगड़ा करके गए थे जनता जिंदाबाद में, हम सब जानते हैं गुरु, सब पहचानते हैं। बस बताइए, जितने आरोप लग रहे हैं इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार? सबसे पहले मैं आपके आरोप का खंडन करता हूं, मैं किसी जनता जिंदाबाद में अगर झगड़ा करके गया हूं तो आप उसका फुटेज दिखाइए, मैं कसम से राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ना है यार, नहीं छोड़ना है। ये आरोप गलत है, एबीपी न्यूज के एंकर द्वारा, माननीय बड़े भैया द्वारा जो आरोप लगाया गया, अगर फुटेज दिखा देंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। अरे राजनीति करना है, यही तो मैं ट्रायल ले रहा था। अरे ये ट्रायल ले रहा था आपका, फंस गए राजनीति में, आप सफल नहीं होंगे यार, क्या बात कर रहे हैं। मैं इनका ट्रायल ले रहा था और ये ट्रैप पे फंस गए। चलिए आप चले चले मुद्दे पे बात किए, अब मुद्दे की बात, मुद्दे पर आते हैं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका कांग्रेस कैसे जवाब देगी? ये जो घोटाले पर घोटाले, पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला और अब तो कौन सा ये महादेव ऐप घोटाला, इसका जवाब कैसे देंगे? अब 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने वाला रमन सिंह, जिसमें सीएम मैडम का नाम है, नार्को टेस्ट में स्पष्ट हो चुका है, और पीएससी घोटाला, भारतीय जनता पार्टी के राज में जब पीएससी घोटाला हुआ, लगातार लिस्ट निकला, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, व्यापम घोटाला, और यहाँ पे अकफड़वा कांड, नसबंदी कांड, नान घोटाला, धान घोटाला, खाद्यान्न घोटाला रमन सिंह के राज में हुआ। और शराब, ये शराब घोटाले की बात करते हैं। एक सेकंड, आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष तिवारी है। मनीष भाई, ये रमन सिंह की सरकार में बहुत घोटाला हुआ था, ये बात तो सही है, तो जनता ने आपको भी यही घोटाला करने के लिए बुलाया था यहाँ? जनता ने कहा था कि आप भी आइए और उतना ही घोटाला कीजिए जितना रमन सिंह की सरकार ने किया था। बात सुन लीजिए, जवाब मैं देता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई घोटाला हुआ है ऐसा साबित हुआ है क्या? और किसी छात्र ने आवेदन दिया है क्या पीएससी घोटाले का? केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, इनके पास मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप लोग, बीजेपी के लोग। आइए जरा खड़े होइए, बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ऐसा इनका आरोप। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, झूठा गंगा जल हाथ में लेके कसम खा के ये नहीं बोलती है कि मैं ये कर दूंगा,
बीजेपी जो कहती है वो करती है और आगे भी करी है, आते भी करते आई है, है ना। हाथ में गंगा जल जैसा पवित्र चीज को हाथ में लेके बार बार बोलती है और घोटालों की लाइन लगी हुई है, घोटालों की लाइन लगी हुई है। एक दो घोटाला हो या एक दो कुछ गलतियां हैं, कोई बोलना चाहता है? हाँ या ये बोलिए बोलिए बोलिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की सरकार शुरू से ही आरोप लगाने में माहिर है, पहली तो बात है। जब से आए सिर्फ आरोप पे आरोप आरोप पे, अरे अपना चेहरा पहले आईने में देखो कि क्या स्वच्छ है। ये लोग दारू घोटाला करते हैं, शराब घोटाला करते हैं, पूरी जो हमारी सरकार 9 बजे बंद करवा रही थी रातों रात दारू बिकवाते हैं, शिक्षा में घोटाला करते हैं या आरटी में घोटाला करते हैं, मस्जिद में शिक्षा के नाम से करोड़ों रुपए घोटाला करके ये लोग रखे, क्या करेंगे? ये लोग सिर्फ दूसरे पे आरोप लगाने पे माहिर है। हम चलिए आ रहा हूँ कांग्रेस की तरफ, आ रहा हूँ कांग्रेस। भाई ने जो बात कह रहा है घोटाले की, इनके पीएससी घोटाला साबित हो चुका है, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, इनके मुख्यमंत्री के निजी सहायक अंदर है, दो विधायक के ऊपर वारंट आ गया है। ये हमसे घोटाले की बात करते हैं जो पूरा भविष्य खा गए और विकास के नाम पे खंबा स्ट्रीट लाइट बीजेपी की, उसमें झालर कांग्रेस का, रोड सड़क बीजेपी की, उसे रिपेयर ना करा पा रहे हैं। ये ऐसे लोग जो ढोंग रच रहे हैं। और मैं तो कहता हूं अगर 15 साल की भाजपा सरकार में जो विकास हुआ है उसकी पोताई भी कर देंगे ना तो हम मान लेंगे कि आपने विकास किया। चलिए ठीक है, आ रहा हूँ आपकी तरफ से हो गया, जिनको बोलना होगा हाथ खड़ा करिएगा, जल्दी आ रहा हूँ। हाँ जल्दी बोलिए। आपने शुरुआत की बात की भगवान राम की, भगवान राम को भूपेश बघेल के पिता पानी पी पी के गाली देते हैं, उसको कैसे छुपाएंगे ये भूपेश बघेल? राम वनगमन पथ बनाने से नहीं, माता कौशल्या के मंदिर को बनाने से नहीं, अपने पिता को जेल भेज के बताए कि ये राम को मारे। जेल तो भेज चुके हैं वो, जेल भेजने के बाद भी पिता माने क्या? चलिए चलिए बताइए अपनी। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ये बहुत देर से कह रहे थे और बहुत शांति से कह रहे थे, हल्ला करने लगेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। बोलिए अपनी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभिमान का। ताली बजाओ यार, कविता वविता जब होती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से कोई थोड़ा सा कविता में माहौल करता है, थोड़ा हंसिए खिलखिलाइए, बीपी शुगर बढ़ जाता है गुस्सा होने से। बहुत युद्ध माटी के अभिमान का नहीं रुकेगा अब ये रथ, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का। भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, 30 तरावर को बढ़ावा दिया है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता और आज ये एबीपी न्यूज का कार्यक्रम जहां हो रहा है, भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक उपक्रम जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज हम लोग यहाँ है तो भिलाई के कारण है। आज भिलाई में 10 साल में कोई भी सार्वजनिक उपक्रम नहीं लगा है और आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र की 6 विधानसभा भिलाई विधानसभा प्रभावित। अच्छा ठीक है आ गया, बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, गिरूंगा तो संभाल लीजिएगा, बहुत भीड़ है। बिचपुरिया जी देख रहे हैं ये लोग कितना आरोप लगा दे रहे हैं आपके ऊपर, आपके कांग्रेस के घोटाले में। ये तिवारी जी तो घोटालों की श्रृंखला सुना दी। ये केवल आरोप ही लगा रहे हैं, हमारी सरकार गई ना, अगर हमने कोई गलती की थी तो आज आकर के आप तो उससे जबल चौबल गलतियां कर रहे हो, समझे? अरे नहीं, और जनता ने अगर हमको सबक सिखाया है लोकतंत्र में तो आप आकर के घोटालों की श्रृंखला आपने चालू कर दी, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, और सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के दो आईएएस अधिकारी जेल के अंदर बंद। जेल में किसी को नहीं जाना चाहिए, बेल ही नहीं मिल रही है तो क्या करें, जेल में बंद है, बेल ही नहीं मिल रही है। लेकिन सुनिए, बातचीत का सिलसिला दुर्ग भिलाई की जनता से इसी तरह से जारी रहेगा, बहुत शांति से। इतनी भीड़ में दुर्गेश भीड़ दिखाओ यार, भीड़ दिखाओ, कितने लोग आए हैं, मुझे क्यों दिखा रहे हो? अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ही जनता जनार्दन इस कुर्सी, ये जहां बैठे हैं ना आप, बैठे जहां बैठे रहिए। देखिए कुर्सी से जब आदमी उठता है तो कैसे हिल जाता है, हम ये सब उदाहरण लाइव दिखाते हैं, आप भी थोड़ा हिल गए ना? नहीं, भूपेश बघेल की सरकार आने वाली है, भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि अरे सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, बहुत तेजी से गनगना के चल रहा था, कांग्रेस वालों ने कहा कि भूपेश भरोसा हटाओ, कांग्रेस है तो भरोसा करो, बदला है नारा, ये समझ रहे हैं कि नहीं? तेजी से तो चला ही है, क्योंकि जो सबसे पहले तो किसानों की कर्जा माफी, सेकंड है 2500 रुपया। अच्छा सुनिए, देखिए भले ये कांग्रेसी है, किसान है, जो भी है, लेकिन एक सच्चाई तो है कि भूपेश बघेल ने एक परसेप्शन बनाने में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सफलता पाई है, वो परसेप्शन क्या है सुनिए। किसानों का कर्जा माफी किया, 2500 रुपया क्विंटल में धान
प्रति क्विंटल, किसानों को खुशहाल कर दिया, उसके बाद में गोबर से वर्मी खास्ट बनाया, जिससे धान का उपज भी बढ़ा है और बीमारी भी खत्म हुआ है, बीमारी भी कम हो गया अभी 2 साल के अंदर में। ये देखिए मैं चंद्राकर जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास नहीं आ पाया था, फिर आपके पास आऊंगा। देखिए सब कुछ अच्छी बात है किसानों के लिए, भूपेश बघेल की सरकार ने किया, कांग्रेस ने किया, गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं, इसके अलावा आत्मानंद बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन 5 साल में अगर उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है तो घोटालों की फहरिस्त भी तो बहुत लंबी है, इससे कैसे बचेंगे और जनता के बीच जाकर कैसे सफाई देंगे? एक भी घोटाला बता दीजिए। कोई घोटाला ही नहीं है, कोई घोटाला ही नहीं है। गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, घोटालों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। आज इनके मंत्री बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं करते, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे लोकल तामसर साहू यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि आ रहा हूँ जनता, एक सेकंड। हाँ बताइए बताइए, पहले एक सेकंड झगड़ा, पहले भाजपा घोटाला साबित करे, फिर घोटाला कहे साबित करिए आप, घोटाला बोलने से नहीं। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने घोटाला किया है, तो बीजेपी की फाइल खोल के देखो, नान घोटाला, आग फोड़वा कांड सब बता चुके हैं, सब नहीं बात कही। सबसे पहले सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, कार्यक्रम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हम बोल रहे हैं भूपेश बघेल बनेगा मुख्यमंत्री, इनका प्रत्याशी कौन है मुख्यमंत्री का? बीजेपी ने तय किया, ये सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और दूसरी चीज, ब्रिजपुरिया जी एक ही चीज बोलते हैं, महादेव सट्टा ऐप मर्डर हो गया, ये हो गया वो गया, हमारे मुख्यमंत्री ने करवाया है ऐप को, ऐप मोबाइल में डाउनलोड होता है, तो मुख्यमंत्री जी निवेदन किए हैं क्या कि ऐप को डाउनलोड करिए और के लिए है? ये सिर्फ रट्टा मार के आते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं भूपेश बघेल ने करवाया। भूपेश बघेल क्या, भूपेश बघेल अपने नियम में लिखा है क्या, नियम में लिखा है? इधर कोई नहीं, आप बोल। जो ऐप वाली बात है, उस ऐप में जो पकड़े गए हैं लोग वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ जल्दी बोलिए, इधर एक मिनट, जल्दी बोलिए, अपनी बात कहिए, एक मिनट है मेरे पास। जय जोगी, बोलने वाले बताइए, इधर बीजेपी वाले जो बोलना चाहते हैं हाथ खड़ा करिए। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे जय जोगी बोल के आप इतनी देर लेंगे, मेरे पास समय नहीं है। नहीं आ रहा, नहीं नहीं नहीं, जैसा कि सबको पता है कि बाप के बाद बेटा को ही गद्दी मिलती है, तो इस बार भूपेश बघेल को नहीं, विजय बघेल को गद्दी मिलेगी। हमारा ठीक है, इधर कोई बोलना चाहता है, एक सेकंड जल्दी बैठ, जल्दी भारतीय क्या बोलते हैं, अरे यार कैसे डे फंस जाता है। हाँ, रेलवे में 40% छूट मिलता था सीनियर सिटीजन को, अभी क्यों नहीं मिल रहा है, कौन खा गया इसका पैसा? इधर पीछे कोई बोलना चाहे जल्दी। जैसे कि अभी बिजपुरिया जी ने बोला शराब कांड, शराब सबसे पहले सरकार बेचना चालू की बीजेपी, महादेव ऐप भी बीजेपी के कार्यकाल में चालू, अब उठा के देखो इतिहास। और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे दुर्ग से, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, और दुर्ग की जनता ये बता रही है कि किसका माहौल है और किसका पड़ला भारी है और इस वजह से कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ही जनता जनार्दन इस कुर्सी, ये जहां बैठे हैं ना आप, बैठे जहां बैठे रहिए। देखिए कुर्सी से जब आदमी उठता है तो कैसे हिल जाता है, हम ये सब उदाहरण लाइव दिखाते हैं, आप भी थोड़ा हिल गए ना। नहीं, भूपेश बघेल की सरकार आने वाली है, भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि अरे सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, बहुत तेजी से गनगना के चल रहा था, कांग्रेस वालों ने कहा कि भूपेश भरोसा हटाओ, कांग्रेस है तो भरोसा करो, बदला है नारा, ये समझ रहे हैं कि नहीं? तेजी से तो चला ही है, क्योंकि जो सबसे पहले तो किसानों की कर्जा माफी, सेकंड है 2500 रुपया। अच्छा सुनिए, देखिए भले ये कांग्रेसी है, किसान है, जो भी है, लेकिन एक सच्चाई तो है कि भूपेश बघेल ने एक परसेप्शन बनाने में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सफलता पाई है, वो परसेप्शन क्या है सुनिए। किसानों का कर्जा माफी किया, 2500 रुपया क्विंटल में धान प्रति क्विंटल, किसानों को खुशहाल कर दिया, उसके बाद में गोबर से वर्मी खास्ट बनाया, जिससे धान का उपज भी बढ़ा है और बीमारी भी खत्म हुआ है, बीमारी भी कम हो गया अभी 2 साल के अंदर में। ये देखिए मैं चंद्राकर जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास नहीं आ पाया था, फिर आपके पास आऊंगा। देखिए सब कुछ अच्छी बात है किसानों के लिए, भूपेश बघेल की सरकार ने किया, कांग्रेस ने किया, गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं, इसके अलावा आत्मानंद बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन 5 साल में अगर उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है
तो घोटालों की फहरिस्त भी तो बहुत लंबी है, इससे कैसे बचेंगे और जनता के बीच जाकर कैसे सफाई देंगे? एक भी घोटाला बता दीजिए। कोई घोटाला ही नहीं है। गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, घोटालों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। आज इनके मंत्री बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं करते, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे लोकल तामसर साहू यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि आ रहा हूँ जनता। एक सेकंड, हाँ बताइए। पहले एक सेकंड, झगड़ा नहीं। पहले भाजपा ही घोटाला साबित करे, फिर घोटाला कहे। साबित करिए आप, घोटाला बोलने से नहीं। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने घोटाला किया है, तो बीजेपी की फाइल खोल के देखो, नान घोटाला, आग फोड़वा कांड सब बता चुके हैं। सब ही बात कही। सबसे पहले सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, कार्यक्रम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हम बोल रहे हैं भूपेश बघेल बनेगा मुख्यमंत्री। इनका प्रत्याशी कौन है मुख्यमंत्री का? बीजेपी ने तय किया। ये सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और दूसरी चीज, ब्रिजपुरिया जी एक ही चीज बोलते हैं, महादेव सट्टा है, मर्डर हो गया, ये हो गया, वो गया। हमारे मुख्यमंत्री ने करवाया है ऐप को। ऐप मोबाइल में डाउनलोड होता है तो मुख्यमंत्री जी निवेदन किए हैं क्या कि ऐप को डाउनलोड करिए और खेलिए? ये सिर्फ रट्टा मार के आते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं भूपेश बघेल ने करवाया। भूपेश बघेल क्या, भूपेश बघेल अपने नियम में लिखा है क्या? नियम में लिखा है क्या? इधर कोई नहीं, आप बोल। जो ऐप वाली बात है, उस ऐप में जो पकड़े गए हैं लोग वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ जल्दी बोलिए, इधर एक मिनट, जल्दी बोलिए, अपनी बात कहिए, एक मिनट है मेरे पास। जय जोगी। बोलने वाले बताइए, इधर बीजेपी वाले जो बोलना चाहते हैं हाथ खड़ा करिए। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे जय जोगी बोल के आप इतनी देर लेंगे, मेरे पास समय नहीं है। नहीं आ रहा। जैसा कि सबको पता है कि बाप के बाद बेटा को ही गद्दी मिलती है, तो इस बार भूपेश बघेल को नहीं, विजय बघेल को गद्दी मिलेगी। अच्छा ठीक है, इधर कोई बोलना चाहता है? एक सेकंड, जल्दी जल्दी। भारतीय क्या बोलते हैं, अरे यार कैसे फंस जाता है। हाँ, रेलवे में 40% छूट मिलता था सीनियर सिटीजन को, अभी क्यों नहीं मिल रहा है? कौन खा गया इसका पैसा? इधर पीछे कोई बोलना चाहे जल्दी। जैसे कि अभी बिस्पुरिया जी ने बोला शराब कांड, शराब सबसे पहले सरकार बेचना चालू की बीजेपी। महादेव भी बीजेपी के कार्यकाल में चालू, अब उठा के देखो इतिहास। इधर कोई जल्दी से। भाई साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। जब यहाँ पर विकास के रूप में जो IIT आया, वो उस समय के तत्कालीन मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी और उनके प्रयास से आया। उसके बाद में भाई साहब के पास समय नहीं है। और इस गोबर के बारे में भ्रम जो फैला रहे, मैं बता रहा हूँ कि 350 करोड़ रुपए का भुगतान भूपेश सरकार ने किया है, इनका आरोप है 500 करोड़ कुछ दिन बाद। चलिए ठीक है, तो देखिए मुझे मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा और तमाम जनता दुर्ग भिलाई की जो यहाँ आई, सबको इजाजत दीजिए। आपका भी धन्यवाद। चुनाव साफ सुथरा हो और कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब मिले, जिसे भी सत्ता मिले हमारी शुभकामनाएं। कल आपको हम बस्तर से दिखाएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार।